नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान रेलवे में निजीकरण के खिलाफ उसके ही कर्मचारी पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में उसके जो यूनियन हैं वो इस धरने को अंजाम दे रहे हैं। तेजस एक्सप्रेस के प्राइवेट द्वारा चलाए जाने के बाद इस तरह के प्रदर्शन तेज हो गए हैं और जो विरोध है वो ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो तेजस एक्सप्रेस है उसमें जो मेहनत का काम है वो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं और जो फ़ायदे का काम है यानी कि जो मुनाफा है जो किराए से आ रहा है वो कॉरपोरेट के हाथों में जा रहा है। भारत सरकार जो हमारी 50 हमारी जो स्टेशन और 150 जो हमारी ट्रेनें हैं उनका जो निजीकरण कर रही है, जो हम सरकारी कर्मचारी हैं हम सबका एक ही मानना है कि हम इसका विरोध बहुत डट कर करना चाहते हैं। बिकॉज जो हम लोगों को जिस तरह से रेलवे एम्प्लॉय को या सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उन सबको इस तरह का मतलब आश्वासन दिया जाता है कि हमको रेल में बिल्कुल प्राइवेट नहीं की जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे माध्यम से इसको रेल को प्राइवेट कर रहे हैं और ये बहुत हम इस चीज़ का बहुत बढ़ चढ़ कर विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा और घोर कर्मचारियों पे अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं वही गलत जानना चाहता हूँ। मोदी जी कहते हैं मैं रोजगार दे रहा हूँ, ये रोजगार छीन रहे हैं, ये छीना जा रहा है, रोजगार दिया नहीं जा रहा। हर चीज़ दिखाई जाती है, फलाने देश में जा रहे हैं, मोदी जी हो रही है, तो ये जो भूखमरी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, इस पर शायद आपका चैनल दिखा दे, बाकी तो कोई चैनल दिखाते नहीं है। 48 घंटे गाड़ी चला रहा है, गार्ड चल रहा है, 7 किलोमीटर हर पर डे एक गैंगमैन इतना हैवी इक्विपमेंट लेके बाई लाइन पर चल रहा है, रात बिरात में भी चल रहा है, तो वो मेहनत नहीं है, वो मोदी जी को नहीं दिखती, वो बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं दिखती। मैं कह रहा हूँ जो प्राइवेट कर रहे हैं IRCTC के गैंगमैन भर्ती करो, हमारे गैंगमैन को क्यों यूज कर रहे हो? हमारे गैंगमैन को यूज मत करो, गाड़ी वो मुनाफा खा रहे हैं तो अपना स्टाफ भी वो रखें, गैंगमैन भी वही रखें। ये मेन बात है कि आप जो कह रहे हैं ना कि जो मेहनत का काम है वो सरकारी कर्मचारी कर रहा है और मुनाफे का काम मलाई प्राइवेट आदमी कॉर्पोरेट मुनाफाखोर खा रहा है। मैं रिटायर हो गई और रिटायरमेंट के बाद अभी यहाँ पर काम पक्के लिए मैं आई और इतना ज़्यादा ओवरलोडेड यहाँ पर वर्क है कि लोग कहते हैं यहाँ काम नहीं है, काम नहीं, आप हमारे सीट पे आइए, इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं और ये निजीकरण अगर ये कर रहे हैं तो जो प्राइवेट बच्चे आएंगे वो इस तरह से रेलवे को ठीक से नहीं चला पाएंगे। पटरियाँ हमारी, स्टेशन हमारा, जब बाहर के लोग आगे इन्वेस्ट इसमें करेंगे बेनिफिट वो उठाएंगे, उसमें धीरे धीरे जो तेजस ट्रेन चली गई है उसमें जितने भी चेकिंग स्टाफ है सब लेडीज़ हैं, वो रेलवे की एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, बाहर की हैं। तो जब वो रेलवे की एम्प्लॉयज़ नहीं हैं और जो बाहर वाले बंदों पे जो इन्वेस्ट किया है तो जो TT सब है सबको कम करते जाएंगे गवर्नमेंट। तो ये जो निजीकरण जो मोदी सरकार कर रही है उसका विरोध के लिए हम हमेशा खड़े हैं। पैसेंजर गाड़ियां हैं जो लखनऊ जो अपना गाज़ियाबाद तक चलती है, कहीं तक चलती है, उसको क्यों नहीं लेती? उनको प्राइवेट करवाए ना, उनको उसमें क्यों नहीं लेते? ये जो मेन मोटिव यही है कि जो बेनिफिट जो है वो प्राइवेट कंपनी उठाएगी और जो पैसेंजर गाड़ी का लॉस है वो रेलवे उठाएगी। सरकारी में जो उसका जो जिम्मेदारी होती है कि वो करना है वो चीज़, उसको मतलब एक अंदर से एक ये रहता है कि अगर नहीं है तो उसको उसकी जॉब भी जा सकती है। प्राइवेट में क्या है, उसका आज है उसको कल घटाया जा सकता है, तो वो उसी प्रकार काम करेगा कि आज सैलरी मिल रही है, कल नहीं मिल गया तो वो दूसरी जगह भी जा सकता है। जैसे आज हम यहाँ कम करें, हमसे अगर बेहतर कहीं और जगह मिल जाएगी तो भी प्राइवेट में वो वहाँ छोड़ के फिर वो दूसरी जगह जा सकता है। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध नहीं, ये कर्मचारियों द्वारा बनाया गया कर्मचारियों का संगठन, ये कर्मचारियों हितों की खाली बात करता है और हम बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। हम 22,000 गाड़ियाँ जो है प्रतिदिन चला रहे हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग ढो रहे हैं। जो इन रोटों पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर इतना कंजेशन है कि वहाँ पर नई लाइनें बिछाने की आवश्यकता है और कोचेज लाने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहती है तो रेलों में पैसा लगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस बात से चिंतित है कि रेल कर्मचारियों को ही नौकरियाँ चली जाएंगी, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो रेल का उपभोक्ता जो आज समझ नहीं रहा इस बात को कि अगर रेलों का निजीकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ने वाला है, ये निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है।
क्योंकि उस समय किराए किसी कंट्रोल में नहीं होंगे, कंपनी जो चाहेगी उसको पैसा वसूलेगी। सरकारी आदमी अकाउंटेबल होता है, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, प्राइवेट आदमी कोई अकाउंटेबल नहीं होता। आज वो आ रहा, कल को नौकरी छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेगा। आप इस बात को कई बार महसूस करते हो, BTATN कोचेज का ड्रेस सेट का मैन्युफैक्चर किया गया है रेल कंपनी के द्वारा, AC EMU का मैन्युफैक्चरिंग जो है इन हाउस किया हम लोगों ने, तेजस का भी आप लोगों ने, तेजस का भी हम ही लोगों ने किया। तो जब हम बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो हम उसका जो है उसको उसका किराया वसूली क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं छूट दी जाती। तेजस में सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में हैं, क्या उनका पास वैलिड नहीं है? नहीं, रेल कर्मचारी उसमें यात्रा नहीं, मतलब जो आदमी गाड़ी चला रहा है जो उसको यात्रा नहीं कर सकता, वो उसमें यात्रा नहीं कर सकता। ये तो काफ़ी दोहरापन है, आप देख लीजिए आप लोगों सबके सामने। मतलब जो लोको पायलट जो गार्ड उस गाड़ी को चलाएगा वो काले इंजन में रहेगा या अपने कैब में, अगर नहीं मानेंगे तो अल्टीमेट तो वही है, तो फिर रेल लोको टाइप का भी कोई फैसला लिया जा सकता है जो कि देश के हित में नहीं होगा, लेकिन मजबूरन हमको उसको लेना पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।